हाई एवरी वन वेलकम टू कर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो आज हम कम्प्लीट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर सेवन पेपर बी का जिन लोगों ने वीडियो पहली बार देखा पहले उनके लिए बता दूँ इसमें हम कवर कर रहे हैं नितिन सांगवान सर की जो बुक है उसका लेटेस्ट एडिशन पेपर बी का पेपर ए हमारा ऑलरेडी कम्प्लीट हो गया है उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी नितिन सांगवान एसेंशियल सोचोलॉजी पेपर ए के नाम से तो इसमें यूपीएससी सोचोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा वो सारे वीडियोज़ में लेके आऊँगी आपको इसमें इग्नो के रिलिवेंट मटीरियल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या पी वाई की उसका डिस्कशन विजन आई एस के मॉडल आंसर्स आंसर्स और जो टॉपर्स की चेकड आंसर कॉपीज हैं वो सब चीज़ों पर मैं वीडियो लेके आऊँगी तो अगर आप ये मिस नहीं करना चाहते डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू तो दिस चैनल और मुझे बताएं कॉमेंट सेक्शन में आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं ये काम जो है दिस विदाउट एनी प्रॉफिट तो आप अगर चाहते हैं तो आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं जिसका ये हार्ट के अंदर डॉलर साइन आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और अगर आपको पेपर बी का पी चाहिए तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मेरे चैनल पे और भी प्लेलिस्ट हैं जेके एस एस बी नाम से तो वो सब आपको नहीं देखना है वो एक सेपरेट कोर्स है ठीक है जो स्टेट एग्जाम्स के लिए है तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया तो हम सिस्टम ऑफ किनशिप कर रहे हैं किनशिप आई होप आपको क्लियर हो गया हो पेपर वन में भी हमने किनशिप डिस्कस किया है एंड पेपर टू में हम वही किनशिप देख रहे हैं इंडियन परसपेक्टिव में तो फैमिली एंड मैरिज देखते हैं इंडिया में कैसे होती है ट्रेडिशनली आपको पता है जो हिंदू सोसाइटी है या इंडियन सोसाइटी है इनकी फैमिली को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोला जाता था तो वो हमारा कॉन्सेप्ट था जॉइंट फैमिली का तो इंडिया में एग्जिस्ट करता था स्टार्टिंग से एक जॉइंट फैमिली सिस्टम ठीक है और इसको एक रिलीजियस सैंक्शन भी मिला था रिलीजियस अप्रूवल भी मिला था क्योंकि हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में फैमिली एंड मैरिज जो है दे आर कंसिडर्ड असेंशियल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ धर्मा ठीक है तो काफ़ी ऐसे आपको रिचुअल्स फेस्टिवल्स परफॉर्म करने होते थे फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना होता था जहाँ आपकी पूरी फैमिली का फैमिली के एल्डर्स का प्रेजेंट होना काफ़ी ज़रूरी था तो इस वजह से हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो काफ़ी पहले से चलता आ रहा है अगर आप फैमिली देखो फैमिली एंड मैरिज वो इंडिया वो हिंदू सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आप देख लो जो इंडियन सोसाइटी है जो हिंदूज ये है हिंदू बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग आपके कुछ लाइफ साइकिल स्टेजेस हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ भी उसको बोला जाता है वो फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं जिसके अराउंड एक ट्रेडिशनल हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्ट है तो वो फोर स्टेजेस कौन से हो गए एक आपका स्टार्टिंग वाला हो गया ब्रह्मचार्य फेज ब्रह्मचार्य सेकेंड इज ये गृहस्थ थर्ड इज योर यस्थ एंड फोर्थ इज योर सन्यास ठीक है तो ब्रह्मचार्य क्या होता है आपका बैचलरहुड होता है जिसमें आप स्टडीज वगैरह करते हो गुरुकुल सिस्टम होता है होता था पहले एजुकेशन अटेनमेंट का तो वो सारा फेज किसमें आता है ब्रह्मचार्य में फिर वेन यू एंटर इंटू मैरिज और आप अपनी फैमिली बनाना स्टार्ट करते हो वो आपके गृहस्थ आश्रम का पार्ट आता है ठीक है इसको फोर आश्रम ऑफ लाइफ भी बोला जाता है फिर वन प्रस्ताव होता है जब आप रिटायरमेंट लेते हो इस लाइफ से एंड यू गो टूवर्ड्स जंगल और आप वहाँ पे थोड़ा मेडिटेट करते हो एंड अपनी लाइफ थोड़ा सिक्ल्यूड करना शुरू कर देते हो वो एक प्रिप्रेटरी फेज़ है जो आपको फाइनल फेज़ के लिए प्रिपेयर करता है दैट इज योर सन्यास अगर आपने ये अचीव किया तो आप फाइनल क्या अचीव करते हो मोक्ष दैट मींस लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ जिसको मोक्ष मिलता है वो दोबारा इस जन्म में फिर दोबारा दुनिया में री इनकारनेट नहीं होता है ठीक है उसको लिबरेशन मिलती है इस साइकिल से साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से फाइन तो इसको हम क्या बोलते हैं डिफरेंट आश्रम से डिफरेंट आपके ट्रेडिशनल हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्हीं चार आश्रम के अराउंड बिल्ट है आपकी लाइफ तो जो फैमिली एंड मैरिज है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन सोसाइटी का हिंदू सोसाइटी का क्योंकि वो एक आपको गृहस्थ आश्रम जो है फुलफिलमेंट ऑफ वन ऑफ द स्टेज ऑफ लाइफ जो काफी इम्पोर्टेंट है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेज क्रॉस करने में हेल्प करता है द इंडोलॉजिकल व्यू ऑफ हिंदू फैमिली इज वन ऑफ ए प्रॉपर्टी होल्डिंग एंड शार्ड परफॉर्मिंग यूनिट इंडोलॉजी हमने पढ़ा हुआ है इंडोलॉजी क्या होता है बुक व्यू या आप उसको टेक्सुअल व्यू भी बोलते हो जो आपको बुक से मिलता है ठीक है टेक्सुअल व्यू तो वो बोलते हैं फैमिली क्या है बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी होल्डिंग है तो मतलब कॉपरसनरी राइट्स अगर एक फैमिली इकट्ठे रहती है तो उसका एक ये रीजन भी होता है कि वो सारे एक जॉइंट प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं एंड श्राद्ध जो आप मरने के बाद वो रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हो और फैमिली को एक श्राद्ध परफॉर्मिंग यूनिट भी बोला जाता है अब फैमिली इन इंडिया देखते हैं अब ये जो हमने अभी डिस्कस किया ये था स्टार्ट कैसे हुआ था फैमिली का स्टार्ट किस टाइप की फैमिली हुई थी जॉइंट फैमिली लेकिन जो इन्फ्लुएंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स जो आइडियो फैमिली है इट हैज चेंज ओवर दस इतना ये ट्रू है ठीक है तो किस किस के इन्फ्लुएंस के अंडर आती है चीजें जैसे आपका अर्बनाइजेशन हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न एजुकेशन लव मैरिज के इंस्टेंसेस बढ़ जाना इन सब चीजों से जो ज्वाइंट फैमिली का स्ट्रक्चर था वो आता आहिस्ता चेंज होने लगा ठीक है दे स्टिल रिमेन अलाइव ऑल दो इन अ डिफरेंट फॉर्म पहले जॉइंट फैमिली यूजली सिर्फ वो कंसिडर करते थे जैसे जो फैमिली है वो इकट्ठे रह रही है तो एक हाउस होल्ड यूनिट मतलब एक घर में रहना उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट था तो रेजिडेंस के बेसिस पे आप कहते थे ये एक जॉइंट फैमिली है लेकिन अब वो नोशन चेंज हो रहा है देखो न्यूक्लियरिटी ऑल दो बढ़ रही है आपको न्यूक्लियर हाउस होल्ड ज़्यादा मिलेंगे लेकिन अभी भी अगर कोई न्यूक्लियर कपल रह रहा है अपने पेरेंट्स से एल्डर से दूर रह रहा है लेकिन उनमें जो फीलिंग है जॉइंटनेस की वो अभी भी है कोई भी बड़ा काम करने से पहले वो अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं पेरेंट्स से सलाह मशवरा लेते हैं अभी भी उनकी लाइफ में इन्फ्लुएंस है पेरेंट्स का पेरेंट्स के साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है उनका ठीक है उनका आना जाना है अपने पेरेंटल होम में ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर सेटअप हो गया तो वो जो ज्वाइंटनेस की बात है वो खत्म हो गई अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अब ज्वाइंट बोलते किसको वो क्या कि सिर्फ वो लोग जो एक घर में रहते हैं वो ज्वाइंट फैमिली है या वो लोग जो दूर भी रहते हैं दूर भी रह सकते हैं लेकिन उनके दिल में अभी भी एल्डर्स के लिए वो रेस्पेक्ट है वो अभी भी एल्डर्स को वो अथॉरिटी देते हैं जो वो सेम घर में रह के देते ठीक है तो इसको डी किया है डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट स्कॉलर्स ने हमें डिफरेंट बातें बताई हैं जो हम इस आगे यूनिट में देखेंगे इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडोलॉजिकल स्कूल्स हैं रे प्रेजेंटेड अ टेक्चुअल इन्फॉर्मड व्यू ऑफ फैमिली टू कंफाइन टू स्ट्रिक्ट थियरिकल इंटरप्रटेशन इन टर्मसनल ज्वाइंट फैमिली तो उन्होंने हमें एक टेक्चुअल एक बुक व्यू दिया जो अल अर्लीस थे जॉइंट फैमिली के लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या किया फील्ड वर्क जो था वो बढ़ गया तो जो रिस uh, उसमें जो रिसर्चेस आई सामने रिसेंट रिस है इन टर्म्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स विच मेक इट a ज्वाइंट फैमिली एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ strict ज्वाइंट न्यूक्लियर डायकोटोमी that means आपको ज्वाइंटनेस कंसिडर करनी है बाकी फैक्टर्स से भी जरूरी नहीं कि सिर्फ आप एक जगह एक कॉमन रेजिडेंस है तो ही जॉइंट फैमिली हो या स्ट्रिक्टली या तो ज्वाइंट है या न्यूक्लियर है बीच में कुछ नहीं है आपको ये जो तो डायकोटोमी है इससे भी दूर हटना पड़ेगा ज्वाइंट न्यूक्लियर डायकोटोमी क्या हुआ कि जॉइंट है उसका ऑपोजिट न्यूक्लियर है बस खतर हमारे पास यही दो कैटेगरीज है पर ऐसा नहीं है तो मॉडर्न स्कॉलर्स ने आपको कहा आप ज्वाइंटनेस को एनालाइज करो थोड़ा बाकी फैक्टर्स से भी हेट जॉइंट फैमिली जो है इसको डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट तरीके से देखा फॉर एग्जाम्पल एम एस गोर इरावती कारवे हेनरी मेन एसेट्रा उन्होंने कहा इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर जनरेशनल डेप्थ ठीक है तो उन्हें जनरेशनल डेप्थ के इससे देखा कि कितनी जनरेशन साथ रहती है कॉमन रेजिडेंट साथ रह रहे हैं कि नहीं कॉमन किचन या खाना पीना साथ है उनका कि नहीं जिनको कॉमन सैलिटी बोला जाता है कि जॉइंट प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि नहीं जिसको कॉपर सिलरी बोला जाता है ये जो अथॉरिटी ऑफ करता है जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है फैमिली का वो कितनी ज्यादा अथॉरिटी उसकी है उन बासिस उन बेसिस पे भी आप क्या करो जॉइंट फैमिली को एनालाइज करो अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या क्या चेंजेस आई ठीक है उससे पहले मैं थोड़ा इसको स्लाइड एडजस्ट कर लेती हूँ स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देते हैं प्रीवियस फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं जॉइंटनेस ऑफ इंडियन फैमिली वो क्या-क्या हो सकते हैं कॉमन सैलिटी कॉमन सैलिटी होता है एक्ट ऑफ ईटिंग टुगेदर डाइनिंग टुगेदर भी इसको बोला जाता है काफी स्कॉलर्स का ये मानना है अगर फैमिली इकट्ठे खाना नहीं खाएगी तो इट कैन नॉट बी टर्मड एज जॉइंट फैमिली कॉमन रेजिडेंस तो काफी स्कॉलर्स का मानना है जैसे डीबी मुखर्जी एंड पी कोल्डा कि जो डायमंड ऑफ ज्वाइंट फैमिली है उसमें एक साथ रहना जो है वो कंसिडर किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ अ सिंगल फैमिली तो कॉमन रेजिडेंस होना जरूरी है कहीं उन्हें कहा जरूरी नहीं वो इकट्ठे रहे अंडर अ सिंगल रूफ इवन वो लोग भी जो इकट्ठे नहीं रहते हैं बट दे होल्ड अ कॉमन प्रॉपर्टी बट दे होल्ड प्रॉपर्टी कॉमनली दे आर ऑल्सो कंसिडर एज ज्वाइंट फैमिली वो भी ज्वाइंट फैमिली में आते हैं तो ये किसने कहा था एफ जी बेलियन टेर मैदान ने ऐसा होता है ना कि एक बाई सिटी में रहता है उसकी वही जो है अर्निंग चलती है बट इन गाँव में भी उसकी प्रॉपर्टी है गाँव में एक बड़ा भाई रहता है जो ओवरलुक करता है या छोटा भाई रहता है जो पर, बाकी प्रॉपर्टी का देखभाल प्रॉपर्टी की देखभाल करता है ऑल दो एक बाई सिटी में रहता है लेकिन ही नोस कि उसकी जो प्रॉपर्टी अभी भी गाँव में है उसने वो प्रॉपर्टी छोड़ी नहीं है अपनी तो उन टाइप ऑफ फैमिलीज को भी आप ज्वाइंट फैमिली कंसिडर कर सकते हो तो आप देख रहे हो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम बेसिकली इसमें देख रहे हैं वेरियस फैक्टर्स जिनके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि कौन सी ज्वाइंट कंसिडर होती है सिर्फ इकट्ठे रहना ही जो है एक ही घर के अंदर रहना है वो सिर्फ सोल फैक्टर नहीं बनना चाहिए ये बताने के लिए कि कोई फैमिली ज्वाइंट है या नहीं तो इसको लेके डिफरेंट स्कॉलर्स ने क्या क्या व्यू पॉइंट दिया वो हम यहाँ पे देख रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगल एंड एफिनल बॉन्ड्स इन बेसिस पे भी आप ये कह सकते हो ज्वाइंट फैमिली को क्लासीफाई कर सकते हो वहां पे क्या होता है हस्बैंड और वाइफ जो होता है उनका बॉन्ड थोड़ा वीक होता है एंड जो कंजुगल जो आपके ब्लड रिलेटेड बॉन्ड्स होते हैं जैसे फादर सन रिलेशनशिप इसको फीलेल बॉन्ड्स या फीनेल रिलेशनशिप कहते हैं या रिलेशनशिप बिटवीन ब्रदर्स दैट इज फ्रेटर्नल बॉन्ड या फ्रेटर्नल रिलेशनशिप ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वो इस बात से अग्री करेंगे हस्बैंड वाइफ को उतनी ज्यादा जो है लिबर्टी एंड वो अफेक्शन डिस्प्ले करने का मौका ज्वाइंट फैमिलीज में नहीं मिलता क्योंकि वहां पे ओवर पावर करता है आपका फीलियल बॉन्ड एंड आपका फ्रेटर्नल बॉन्ड ठीक है कंजुगल बॉन्ड्स कौन से होते हैं जो ब्लड बेस्ड रिलेशन पे बनते हैं एफिनल होते हैं जो आपके मैरिटल बेस्ड रिलेशनशिप पे बनते हैं नेक्स्ट इज कॉपरेशन एंड सेंटीमेंट तो ये किन स्कॉलर्स का कहना था आईपी देसाई और के एम कपाड़िया का, का इन्होंने क्या कहा एक जो जॉइंट फैमिली है वो फंक्शनल टर्म्स में उसको देखो क्योंकि वो अपने जो किन्स हैं दैट मीन्स अपने जो रिलेशनशिप्स हैं जो रहती है इकट्ठे ज्वाइंट फैमिली में जो भी उनके रिलेटिव रहते हैं वो उनको कॉपरेशन एंड सेंटिमेंटल वैल्यू जो है उनके साथ एसोसिएट करते हैं कि वो उनको कॉपरेशन भी प्रोवाइड करते हैं एंड देन सेंटिमेंटल इमोशनल वैल्यू भी उन रिलेटिव्स के आपस में अटैच्ड होती है रिचअुअल बॉन्ड रिचल बॉन्ड ऑफ ए भी इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेट्स है ज्वाइंटनेस का फॉर एग्जाम्पल श्राद जो परफॉर्म करते हैं फॉर डेड एंड एंड सिस्टर्स एंड वर्शिपिंग ऑफ कॉमन डाइटी जो है ये भी एक पैरामीटर हो सकता है ज्वाइंटनेस का तो हो सकता है आप अलग अलग रहते हो लेकिन श्राद के टाइम पे तो सारे मिलते हैं या कॉमन डाइटी को वर्शिप करते हैं अपने अपने घर में रहकर अपने अपने अलग आइडल्स को वर्शिप कर अपने सेम आइडल्स को अलग अलग घर में रहके वर्शिप कर रहे हैं That means, कही कहीं ना कहीं कॉमन डायटी से एसोसिएट करते हैं तो ये भी आप पैरामीटर ले सकते हो रिलेशन इट इज ऑलमोस्ट यूनानिमसली अग्रीड ज्वाइंट फैमिली जो है मोर देन टू मैरिड कपल्स दो और मोर देन टू मैरिड कपल्स होते हैं पॉलिन इन हर एनालिसिस हैज डिफाइंड सिक्स टाइप्स ऑफ ऑफ जॉइंट ऑन द बेस रिलेटिव्स हु आर इट्स मेंबर्स ठीक जनरेशनल डेप्थ कुछ स्कॉलर्स ने जनरेशनल डेप्थ पे भी कहा है कि जॉइंट फैमिली मिनिमम थ्री जनरेशन जो है वो साथ रहनी चाहिए तो ये थे कुछ हमारे आठ पॉइंट जिनके बेसिस पे अलग स्कॉलर्स ने कहा कि जो ज्वाइंटनेस है फैमिली की उसको आप टेस्ट कर सकते हो वेरियस सोशल फैक्टर्स पे सिर्फ साथ में रहना या साथ में खाना उठना बैठना यही इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो सारे कौन से पॉइंट्स है वो आपको याद रखने जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे ए एम शाह ने जो बुक लिखी थी द हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली रिमार्क दैन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो इंसिडेंस ऑफ ज्वाइंट फैमिली हैज़ इनफैक्ट इनक्रीज तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक अपोजिंग व्यू पॉइंट मिलेगा इसलिए एम शाह का नाम आपको जरूरी याद रखना है एंड इनकी बुक एच डी एफ करके याद रख लो हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली उसने कहा पोस्ट इंडिपेंडेंस में इनफैक्ट जो बोला जाता है ज्वाइंट फैमिली कम हो गई है ऐसा नहीं है जो इंसिडेंट्स ऑफ जॉइंट फैमिली है वो इनफैक्ट बढ़ गए हैं और कैसे बढ़ गए हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स वर इंक्रीजिंग इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई दैट मीस लॉन्जटिविटी आपके ग्रैंड पेरेंट ज्यादा टाइम तक रहेंगे ठीक है जिंदा रहेंगे ज्यादा टाइम तक तो ऑब्वियसली फिर उनको साथ रखना भी होगा आपका हाँ किन के भरोसे अपने एलिंग एंड एज पेरेंट्स को छोड़ोगे तो इस वजह से एंड ओरिएंटेशन ऑफ मेंबर्स के आपका रिलेशनशिप कैसा है मेंबर्स के साथ इन चीज़ों की वजह से भी आपका जो है ये ज्वाइंटनेस जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस बढ़ गई है ही अटैच फोर मीनिंग्स टू द टर्म फैमिली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट अब फैमिली को इंडियन कॉन्टेक्स में क्या बोलते हैं वो हम देखते हैं फर्स्ट जो फैमिली है वो सीन इन लाइट ऑफ इट्स हाउस होल्ड डायमेंशन ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन सेम डिंग यूनिट हाउस होल्ड मीन्स से आपका जो घर बना होता है उस वो हम रिलेट करते हैं हाउस होल्ड के साथ फैमिली जो है ये आपका सोशल यूनिट है ठीक है ये हमने पेपर ए में डिस्कस किया हुआ है सेकेंडली फैमिली जो है एक सोशल ग्रुप है जिसमें पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन है वेदर लिविंग टुगेदर नॉट थर्ड फैमिली वो सीन एज अ किनशिप यूनिट जहां पे सारे जो रिश्तेदार हैं दे आर रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज फाइनली फैमिली वॉज इवेलुएटेड इन टर्म्स ऑफ कॉमन लीनिएज विच गिव फैमिली एन एक्सटेंडेड मीनिंग ठीक कॉमन लीनिएज पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स उनके पेरेंट्स ऐसे एक लाइन ट्रेस करते हैं जिससे फैमिली को एक एक्सटेंडेड मीनिंग मिलता है कि कितनी हमारी फैमिली दूर तक फैली हुई है तो अगर आपको फैमिली के बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये चार पॉइंट्स याद रख सकते हो और बोल सकते हो ए एम शाह ने फैमिली को लेकर ये कहा था ये आपका इंट्रोडक्शन भी बन सकता है फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन का शाह ने और एक बात कही इन्होंने कहा अगर सेंसस नंबर देखो कि हाउस होल्ड बढ़ रहे हैं दैट सेपरेट घर जो है वो सेंसस के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं पर इनके हाउसेस के बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो ज्वाइंटनेस है वो कम हो गया है एंड जो न्यूक्लियर फैमिली है इन वो भी बढ़ रहे हैं क्योंकि ज्वाइंटनेस आप सिर्फ इसे रिलेट नहीं कर सकते कि कैसे आप रहते हो किस घर में आप रहते हो इकट्ठे रहते हो कि नहीं ठीक है और मीन्स मीनस एंसेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली हैव ऑल्सो इक्रीज क्योंकि जो ज्वाइंटनेस है उनको जज करना है बेस्ड फ्रॉम द ऑरियंटेशन टूवर्ड्स किनशिप एंड नॉट फ्रॉम को रेजिडेंस अलोन कि आपका रिलेशन आपस में कैसा है रिश्तेदारों के साथ उससे आप ज्वाइंटनेस ट्रेस करोगे ना कि एक कॉमन रेजिडेंस है कि अगर आप एक घर में सारे रहते हो तो ही आप जॉइंट फैमिली हो ये कॉन्सेप्ट गलत है ठीक है उन्होंने कहा था इन सेंस ऑफ जॉइंट फैमिली हैव इनफैक्ट इंक्रीज व्हेन ज्वाइंट फैमिली सीन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑरिएटेशन टवर्ड्स किनशिप अब अगर आप ये देखोगे रिश्तेदारों के टुवर्ड्स कैसा आपका बिहेवियर है ये या रिश्तेदार आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये चीज़ अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ज्वाइंटनेस इनफैक्ट हमारी बढ़ गई है कम नहीं हुई है

के एम कपाड़िया ने लिखा था इन्हें उन्हें स्टडी करी थी रूरल फैमिली पैटर्न्स उन्होंने कहा जॉइंट फैमिली को इन टर्म्स ऑफ जनरेशनल डेप्थ कॉमन किचन अथॉरिटी ऑफ करता एक्सेट्रा तो इन्होंने अपने पॉइंट्स दिए थे किस किस बेसिस पे आप जो जॉइंटनेस है फैमिली की वो मेजर कर सकते हो कपाड़िया ऑल्सो फाउंडेड दो मोस्ट ऑफ द फैमिली जो है वो न्यूक्लियर होती है स्ट्रक्चर में दे आर एक्चुअली ज्वाइंट इन ऑपरेशन कि स्ट्रक्चर अगर न्यूक्लियर है अलग अलग रहते हो लेकिन ऑपरेशन ज्वाइंट है ठीक है ऑपरेशन ज्वाइंट है कैसे मतलब हुआ इसका कि वही कोई फंक्शन है वहाँ पे आपके एल्डर्स का होना जरूरी है कुछ भी काम करना है उससे पहले आप एल्डर्स की परमिशन लेते हो अभी भी लाइफ में एल्डर्स का इन्फ्लुएंस है तो ये सारी चीजें जो है बताता है कि अभी भी ज्वाइंट इन ऑपरेशन है फैमिलीज लाइक ए आई पी के एम कपाड़िया हैज़ गिवन अ सिमिलर क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग ज्वाइंटेस ऑफ इंडियन फैमिली न्यूक्लियर विद मैरिड सन्स लीनियर ज्वाइंट कोलेट्रल ज्वाइंट एंड अ ज्वाइंट फैमिली विद डिपेंडेंट्स लाइक विडो सिस्टर तो के एम कपाड़िया ने क्या किया है इन्होंने भी अपनी क्लासिफिकेशन दी है इन्होंने कहा एक तो न्यूक्लियर विद मैरिड सन्स है ये एक टाइप ऑफ फैमिली है लीनियर ज्वाइंट है आप आपके पेरेंट्स ये आप हो ये आपके यहाँ ये आप हो ये आपके पेरेंट है ये उनके पेरेंट्स है ठीक है तो लीनियल जॉइंट है अब अगर ये आप हो ये आपका ब्रदर है ब्रदर की फैमिली है तो ये आ जाती है को जॉइंट फैमिली ठीक है एंड जॉइंट फैमिली भी डिपेंडेंट्स लाइक विडो सिस्टर वगैरह अगर साथ रहेंगी तो वो भी एक टाइम की जॉइंट फैमिली एक टाइप की जॉइंट फैमिली होती है तो एम एस गो ने ही गेव अ थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट फैमिली ने फीलियल जॉइंट फैमिली जहाँ पे पेरेंट्स रहते हैं विद यर मैरिड चिल्ड्रन एंड दियर ऑफ स्प्रिंग एक फ्रेटर्नल जॉइंट जहाँ पे सिर्फ जो शादीशुदा बाई है वो इकट्ठे रहते हैं विद चिल्ड्रन एंड कंबाइंड फीलियल एंड फ्रेटर्नल ये किसने दिया था एम एस गोड ने गेल ओम क्लासिफाइड जॉइंटनेस एंड फैमिली ऑलवेज ज्वाइन जो हमेशा ज्वाइंट ही होगी तो सारे पॉइंट्स जो ज्वाइंटनेस के होते हैं उन पे वो एक, आ, मतलब वो सारे पॉइंट्स वो फॉलो करते होंगे ओकेजनली जॉइंट जो सिर्फ फंक्शन वगैरह पे साथ मिलते होंगे मिनिमल जॉइंट कभी कभार जो है वो इकट्ठे उठते बैठते होंगे बहुत कम बट उनको भी एक काइंड ऑफ ज्वाइंट फैमिली बोला गया है अनदर स्कूल जो है वो वेमलीज इन इंडिया है एक बेटे हो थीके? और ये आपके पेरेंट्स हैं आपकी शादी हो गई तो प्लस वन हो गया आपकी लाइफ में तो आपकी अलग फैमिली का फ्यूजन हो रहा है अब आप यहाँ पे रहते थे अपने पेरेंट्स के साथ ठीक है तो अब आप मूव आउट करते हो अपने स्पाउस uh, के साथ तो जो इस ये वाली फैमिली है वहां पे क्या हो गया फिशन उस फैमिली में एक मेंबर ब्रेक हो गया और आपकी फैमिली में एक हो गया तो वो हो गया आपका फ्यूजन जो चलता है वर्क टुवर्ड्स क्लियरफाइन कंसेप्चुअल इशूजब फैमिली एंड इट टाइप शी हेज प्रोपोज अम्प्रेन्सिव स्कीम इन कॉम्परेटिव स्टीडी ऑफ इंडियन जॉइंट फैमिली बेस्ड ऑन एथनोग्राफिक स्टडीज एंड सेंसिस ठीक है उनने देखा बियॉन्ड द जॉइंट न्यूक्लियर और एक्सटेंडेडेड एलिमेंट्री टाइप्स ऑफ फैमिली थ्रू हर इलेवन ब्रॉड टाइप्स और उन्होंने इलेवन ब्रॉड टाइप्स ऑफ फैमिली दिए थे चाहो तो आप याद रख सकते हो हर किसी की क्लासिफिकेशन याद रखना इतना जरूरी भी नहीं है अब यहाँ पे हमने जो जो पढ़े आप उतने ही याद रखो हमने के एम कपाड़िया देखा इनकी क्लासिफिकेशन देखी ठीक है फिर हमने एम एस गोर की क्लास ली हमने के एम कपाड़िया देखा हमने गेल ओमबेड की देखी एम एस गोर की क्लासिफिकेशन देखी और हमने इसमें ए एम शाह का नाम देखा उन्होंने फैमिली को लेके बोला था फैमिली इंडियन फैमिली इन इंडियन कॉन्टेक्ट के चार पॉइंट्स दिए थे फिर के एम कपाड़िया गेल ओमबेड एंड एम एस गोर इन्होंने जॉइंट फैमिली को लेके जॉइंट फैमिली की क्लासिफिकेशन दी थी तो ऐसे करके आप अपने नोट्स में ये रख सकते हो शॉर्ट पॉइंटर्स बना के जो आपको हेल्प आएगा एग्जाम में हेल्प करेगा आईपी देसाई ने भी जॉइंटनेस ऑफ फैमिली पे बात करी थी तो इन्होंने भी अपनी कुछ कैटेगरीज दी थी अकॉर्डिंग टू आईपी देसाई जो इंट्रा फैमिली रिलेशनशिप है दैट विद इन द फैमिली जो रिलेशनशिप है वो काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ऑफ डिफाइनिंग ए जॉइंट फैमिली देसाई ने कहा था को रेजिडेंस और कॉमन किचन जो secondary dimensions है वो सेकेंडरी डायमेंशन है फाइव डिग्री ऑफ जॉइंटनेस ऑफ इंडियन फैमिली आईपी देसाई ने दिए थे फाइव डिग्री ऑफ डायमेंशन ऑफ जॉइंट फैमिली ठीक है तो इन्होंने कहा था जो इकट्ठे रहना है को रेजिडेंस एंड जो इकट्ठे आप खाते पीते हो दैट मीनस ये इंटर डाइनिंग ठीक है या उसको कॉमन सैलिटी भी बोलते हैं वो क्या है कॉमन किचन वगैरह वो सेकेंडरी डायमेंशन है ये चीजें भी आपको याद रखनी है तो क्या क्या इन्होंने कैटेगरी दी थी पहली कैटेगरी ऑफ फैमिलीज है विद जीरो डिग्री ऑफ ज्वाइंटनेस टोटली न्यूक्लियर फैमिलीज सेकेंड कैटेगरी कैटेगरी हो गई हाउस होल्ड विद लो डिग्री ऑफ ज्वाइंटनेस ठीक है थर्ड कैटेगरी हो गई हाउस होल्ड विद हाई डिग्री ऑफ ज्वाइंटनेस इनको इन्हें सब्सटैशली ज्वाइंट फैमिली बोला था फोर्थ कैटेगरी हो गई हाउस होल्ड विद हाई डिग्री ऑफ ज्वाइंटनेस विच ही टर्म ड मार्जिनली ज्वाइंट फैमिलीज जहां पे एटलीस्ट दो जनरेशन साथ रहती हैं एंड फिफ्थ कैटेगरी ऑफ फैमिली इन इंक्लूड्स हाउस होल्ड विदेस्ट डिग्री ऑफ ज्वाइंटनेस विच इज इक्वल टू अ ट्रेडिशनल ज्वाइंट फैमिली तो इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए थे आपको जीरो डिग्री ऑफ ज्वाइंटनेस फिर लो डिग्री ऑफ ज्वाइंटनेस फिर कहा था अच्छी खासी हाई डिग्री ऑफ ज्वाइंटनेस उसको कहा था सब्सटैशली ज्वाइंट फैमिली थर्ड कैटेगरी फोर्थ कहा था मार्जिनल ज्वाइंट फैमिली ठीक है हायर डिग्री ऑफ ज्वाइंटनेस एंड फिफ्थ इन्होंने कहा था ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली जिसमें हाइस्ट डिग्री ऑफ हाई हायर और हाइस्ट हाई हो हो गया गया फैमिली हायर मार्जिनली फैमिली एंड हाइस्ट हो गया फैमिली और जो फर्स्ट टू है वो कौन से हो गए जीरो डिग्री ऑफ ज्वाइंटनेस एंड सेकंड वन इज योर लो डिग्री ऑफ ज्वाइंटनेस ये इन्हें कुछ टाइप्स ये थे फाइव फा, फा, कैटेगरीज थी ज्वाइंटनेस की यहाँ पे थोड़ा बहुत और कुछ लिखा होगा ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इन स्टडी ऑफ विलेज इन साउथ इंडिया टाइटल्ड किनशिप एंड किनशिप एंड डिस्टेंस इन रूरल इंडिया 1965 ईश्वरन फाउंड दैट यही आपके जो आईपी देसाई है इन्होंने क्या देखा ही फाउंड दैट 43.76 परसेंट वर न्यूक्लियर एलिमेंट्री फैमिलीज एंड 56.24 परसेंट वर एक्सटेंडेड फैमिलीज फैमिलीजॉइंट फैमिलीज तो ये डेटा भी आप चाहे तो आप याद रख सकते हो ट्रेडिशल ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया है इट हैज अंडरगॉन न्यूमरस चेंजेस इन रिसेंट डेकेज अब वो ट्रेडिशनल ज्वाइंट फैमिली नहीं रह गई जो पहले थी काफ़ी चीज़ों की वजह से नए इनहेरिटेंस राइट आ गए ठीक है सेक्यूलर मैरिजे आ गई इंटर रिलीजन इंटर रिलीजन इंटर कास्ट मैरेजेज लव मैरिज इन सब चीज़ों से क्या हुआ आपका जो जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर है वो बढ़ गया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इक्वल स्टेटस दिया वुमेन को उसका स्टेटस भी अपलिफ्ट हो गया ज्वाइंट फैमिली में यूजुअली जो वुमेन होती थी वो सब्जुकेटेड होती थी वो सबमिसिव होती थी ठीक है लेकिन अब लेजिस्लेश रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन मैरिज इन सब चीजों के साथ साथ जो लड़कियों को अपलिफ्ट करने के लिए स्कीम्स आई प्रोविजन आए उससे भी जो फैमिली का थोड़ा बहुत ये स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगा फैमिली इज ए सोशल यूनिट इज नो लॉन्गर व्यूड एज एट इन अ ट्रेडिशनल फ्रेम न्यू ट्रेंड लाइक लिव इन हो गया सिंगल पेरेंट फैमिलीज डिपरेशन दे ऑल्सो है ये अब सारा अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं अभी तक हमने ज्वाइंट फैमिलीज के बारे में पढ़ा ये हम थोड़ी बहुत चेंजेस देख रहे हैं जो ज्वाइंट फैमिलीज में आई हैं जो मॉडर्न रैशनल एजुकेशन सिस्टम है उससे क्या हो गया प्रॉम्प्टेड चिल्ड्रेन एंड यंग यंग्स टू क्वेश्चन द ऑर्थोडॉक्स नेचर ऑफ ट्रेडिशनल आइडियाज लाइक चाइल्ड मैरिज ऑफ राइट डिनाइल एजुकेशन टू वेमेन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ विडोज ये सारी चीज़ें जो पहले ज्वाइंट फैमिली में हुआ करती थी अब वो नहीं होती क्योंकि अब एजुकेटेड यूथ है वो इन चीज़ों को क्वेश्चन करता है ज्वाइंट फैमिली में यूजली क्या होता था आप अपने पेरेंटल जो बिजनेस है वही आगे फॉलो करते थे पर अब ऐसा नहीं होता बच्चे अब अपना अपना रास्ता खुद चूज करते हैं इस वजह से भी जो ज्वाइंटनेस है उस पर असर पड़ता है आपके इंडिविजुअल लिबर्टी वगैरह को कब किया जाता था आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती थी फैमिली में फैमिली में फैमिलीज इनफैक्ट ऐसा भी देखने को मिलता था अगर आपके फादर हैं वो अभी भी अपने बड़े भाई से जाके पैसे मांगते थे खुद काम करने के बावजूद ठीक है या उनके जो फादर हैं वो उस सब लोग सब भाई अपनी सैलरी जो है अपने फादर के पास रखते थे बाद में वो उनको जेब खर्ची देते थे तो ये सारी चीजें ज्वाइंट फैमिलीज में पहले होती थी लेकिन अभी नहीं हो रही हैं अर्बनाइजेशन की वजह से शिफ्ट भी आ गया एग्रीकल्चर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर वगैरह मॉडर्न सोशियलॉजिस्ट लाइक एस दुबे युगेंद्र सिंह एंड ऑनरेबित जो है कंसिडर दैट इकनॉमिक बेस जो है इज नॉट द सोल फैक्टर कॉजिंग चेंजेस इन ज्वाइंट फैमिली बट दे मल्टीपल प्रोसेस ऑफ मॉडर्निटी जैसे एजुकेशन फॉर मैन एंड वुमेन क्विक मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे माइग्रेशन ईजी हो गई ग्रोथ ऑफ कास्ट फ्री ऑक्युपेशन माइग्रेशन रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिजम इन सब चीजों की वजह से भी जो आपका जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगा तो ये कुछ जो पॉइंट हैं ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ठीक है और इसमें नाम एस सी दुबे योगेंद्र सिंह इन्होंने कहा था सिर्फ इकोनॉमिक बेस ही नहीं है बाकी चीजें भी हैं तो ये आपको याद रखनी होंगी रूरल एरियाज में जो लैंड रिफॉर्म्स है समटाइम्स प्रॉम्प्टेड द टू ट्रांसफर द लैंड टू देयर एडल्ट चिल्ड्रन तो इसके लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन ठीक है अब रूरल एरियाज में क्या हुआ लैंड हमने पढ़ा लैंड सीलिंग क्या हुआ जैसे किसी के पास हंड्रेड कनाल ऑफ जमीन होता ऑफ लैंड तो ऐसा लॉ आया कि एक जो ये है घर वो सिर्फ टेन रख सकता है बाकी उसको सरेंडर करना होगा गवर्नमेंट को फिर लैंड इक्वल रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो उन्हें क्या किया अगर वहां पे दस भाई इकट्ठे रहते थे तो हर भाई ने खुद को अलग कर लिया और उनके अलग अलग कागज बन गए जमीनों के और हर बाई दस दस कनाल जो है अब वो रख सकता था ऐसे अगर ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं सिर्फ एक के नाम पे प्रॉपर्टी होगी एक ही होगी फादर की क्योंकि तो फादर अपने पास सिर्फ टेन कनाल रख सकता था नाइन्टी कनाल उसको दे देने थे अब उसने क्या किया दस बच्चों को इक्वली ये कागज बना के दिए जमीनों के अलग अलग एंड हर बाई को दस दस कनाल दे दिए तो इस वजह से क्या हुआ रूरल एरियाज में भी सेपरेटले रहने का और न्यूक्लियर हाउस होल्ड इंक्रीज होने का जो है वो डायमेंशन सामने आ गया ठीक न्यू वैल्यूज़ इन सोसाइटी प्रमोट इंडिविजुअल अचीवमेंट एंड इंडिविजुअल्स आर डिटैचिंग दम सेल्स फ्राम फैमिली टू असर देर इंडिविजुअल आइडेंटिटी राइज ऑफ बिजनेस हब्स लाइक मुंबई एंड बेंगलुरु जो है हैव लेड टू माइग्रेशन ऑफ द एजुकेटेड यूथ टू दी सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स तो सिंपल सिंपल बात है जिसे आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे आपका जो स्ट्रक्चर है जॉइंट का वो ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है नई सोसाइटीज़ में डिस ऑफ जॉइंट फैमिली जो है हैज अफेक्टेड डिफरेंट फैमिली मेंबर्स डिफरेंटली वुमेन के लिए तो अच्छा हो गया क्योंकि जब वो एक न्यूक्लियर हाउस होल्ड हस्बैंड के साथ रहती है तो उनकी भी से होती है फैमिली में अब हम जनरल बात करेंगे अब केस केस टू बेस ऑब्वियसली वैरी करेगा लेकिन उनका थोड़ा बहुत अथॉरिटी और पावर जो है वो बढ़ गया वो भी अब उस घर की एक इंपॉर्टेंट मेंबर हो गई लेकिन ज्वाइंट फैमिली में जो वुमेन फोक होती है फैमिली की देआर लॉस्ट उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है जो उनको न्यूक्लियर हाउस होल्ड में मिली तो उनके लिए काफी अच्छा हुआ वंस अ फैमिली स्प्लिट्स इन टू सेवर यूनिट न्यू अथॉरिटी सेंटर्स इमर्ज अब जो छोटे भी घर में थे छोटा भाई था ठीक है वो भी छोटा भाई की भी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी ज्वाइंट फैमिली में लेकिन जब वो न्यूक्लियर फैमिली में चला गया वो छोटा भाई नहीं रहा वो घर का कर्ता बन घर का ओनर बन गया तो उसकी भी जो इंपॉर्टेंस है वो न्यूक्लियर फैमिली में बढ़ गई यही सारी चीजें लिखी यहाँ पे इवन चिल्ड्रन स्टार्ट टू हैव अ से इन द फैमिली बच्चों को भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो गई विद विद्रेक डाउन ऑफ जॉइंट अब प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम ही इनको क्योंकि अगर किसी की विडो बुआ है वो जॉइंट फैमिली में आराम से रह रही है अब लेकिन सारा सब कुछ सेपरेट हो गया पेरेंट्स भी अब एज्ड हो गए हैं भाई सारे अलग हो गए तो उसका वो कहाँ जाएगी तो ये सारी जो डिपेंडेंट्स थे फैमिली में जो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर में आराम से एडजस्ट हो जाते थे उनको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इस चेंज के आने की वजह से

पीपल क्योंकि जब पेरेंट्स हो जाते हैं उस एज को क्रॉस करते हैं तो ऐसा कोई उनको स्टेट की तरफ से ये नहीं मिलता वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन ही समझा जाता है इस वजह से भी जो ज्वाइंटनेस है वो अभी भी खत्म नहीं होगा जो ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर है इट वोंट डिस्टर्बेर एनी टाइम सून और एक किसने के कहा था आपको राम आहूजा ने तो राम आहूजा ने काफी इंपॉर्टेंट स्टडीज की है इंडियन सोसाइटी को लेकर ये नाम भी आपको याद रखना है

क्योंकि ग्रांड पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा ध्यान बच्चों का और कोई नहीं रख पाता है तो इस वजह से भी जो फैम ज्वाइंटनेस जो जौंट है या जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर है आप बोल सकते हो स्ट्रेंथन ही हो गई है ऐसे डेवलपमेंट से यूजीन नेटवर्क जो है क्लेम्स एट द न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली आर टू थियोरटिक आइडियल एंड इन बिटवीन एग्जिस्ट दी मॉडर्न मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिलीज इन विच चिल्ड्रन मैरी आउट और माइग्रेट फ्रॉम द पेरेंटल एंड हाउस होल्ड अबॉन मैरेज बट एंगेज इन कॉमन एक्टिविटीज विद पेरेंट्स एंड अदर किन ऑन रेगुलर बेसिस तो जो हमें स्टार्टिंग में पढ़ा था सिर्फ यहाँ पे जॉइंट न्यूक्लियर डायकोटूम में हमें नहीं देखना है वो पॉइंट आपको यहाँ पे भी, भी क्लियर हो जाएगा यूजी लिट वॉक ने कहा था कि इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में एक्चुअल जो रियलिटी है वो दोनों जो है वो थियोरटिकल आइडियल है वो आइडियल टाइप्स है जो रियालिटी है वो आपकी मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली है जिसमें ऑल दो पेरें बच्चे हो सकते हैं शादी या जॉब की वजह से माइग्रेट करें बट अभी भी कॉमन एक्टिविटीज में वो एंगेज होते हैं जैसे बड़े फेस्टिवल्स में वो अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं पेरेंट्स बच्चों के बगैर कोई फंक्शन या फेस्टिवल्स परफॉर्म नहीं करते ठीक है अब उन अगर पेरेंट्स जो है उनके छोटे बच्चों का कोई फंक्शन होगा बर्थडे होगा या कोई रिलीजियस फंक्शन होगा तो वो ग्रैंड पेरेंट्स का रहना वहां पे इंपॉर्टेंट है तो ये सारी चीजें बताता है वो अभी भी एंगेज होते हैं इन कॉमन एक्टिविटीज उसकी जो ज्वाइंटनेस है वो इमोशनल भी हो सकती है इकोनॉमिकल भी हो सकती है एंड पॉलिटिकल भी हो सकती है इन तीन फैक्टर्स पे भी आपकी जो जॉइंटनेस है वो हो सकती है आप ज्वाइंट फैमिली जो है रह सकते हो इन तीन फैक्टर्स पे भी ठीक है तो जैसे मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज स्ट्रक्चर्स में क्या होता है अब आपके पास थोड़ी बहुत आपका ये इनकम बढ़ जाती है तो उस इनकम की वजह से भी आप एक जॉइंट स्ट्रक्चर जो है वो सस्टेन कर पाते हो जैसे कोई यहाँ पे सिटीज में आके काम करता है ठीक है देन वो पैसे कमाता है वो घर भी कुछ पैसे बेचता है तो इस वजह से भी जो ज्वाइंटनेस का वो बॉन्ड है वो जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है लिचर्ड लैम्बर्ट ने क्या कहा उन्होंने भी ऐसी स्टडी करी और कंक्लूड किया कि जो एवरेज साइज है अमंग फैक्ट्री वर्कर्स वो फाइव पॉइंट टू द साइज ऑफ फैमिली अलोंग अः द साइज ऑफ फैमिली अमंग अदर रेजिडेंट्स ऑफ पूना बॉज फोर पॉइंट फाइव ठीक है बताता है कि साइज ऑफ फैमिली ये जो थी अमंग फैक्ट्री वर्कर्स वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू जो नॉर्मल बाकी रेजिडेंट्स थे पूना के ठीक है तो एम एन श्रीनवास इन स्टडी ऑफ ऑन्टरप्रीनर्स ऑफ ओखा एंड मिल्टन सिंगर इन हिस्ट स्टीडी ऑफ इंडस्ट्रियल मैड्रास कंक्लूडेड जो जॉइंट फैमिली इज मॉडिफाइड इट द डिमांड्स ऑफ फैमिली द डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन की जो फैमिली है वो भी खुद को उसने अडाप्ट किया है टू सूट द मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइज जैसे मैंने आपको कहा अब क्या होता है मेट्रो सिटीज में कपल काम करते हैं बाद में बच्चों की देखभाल के लिए भी उनको ग्रैंड पेरेंट्स चाहिए होते हैं तो ग्रांड पेरेंट्स आते हैं वहां पे उनके साथ रहने के लिए तो जो ज्वाइंट फैमिली अब जरूरी नहीं जब गाँव में पहला जो आपका पुश्तैनी मकान था वहीं पे सारे रहो माइग्रेट करते हैं कपल फिर आपके पेरेंट्स वहां पे भी आके रहते हैं तो जॉइंट फैमिली जो है वो भी खुद में चेंजेस ला रही है ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्न इकोनॉमी अपार्ट फ्रॉम बींग थ्रू द लेंस ऑफ स्टेटस एंड चेंज जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो सी इन डिजायरेबिलिटी एंड अनडिजायरेबिलिटी इट इज कंसिडर्ड एज डिजायरेबल एज इट प्रोवाइड इकनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड इकनॉमिक प्लेसमेंट आपको सोशल सिक्योरिटी देता है इन अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन हेल्थ इन शेयरिंग ऑफ बर्डन इमोशनल सपोर्ट स्टेटस देता है ट्रेडिशनल सोसाइटी में एक्ट एज अ इकनॉमिक यूनिट ऑफ एक्टिविटी एंड कंजम्पशन दैट मींस यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ठीक है परफॉर्म्स सोशलाइजेशन फंक्शन परफॉर्म रिलीज राइट्स एंड रिचुअल्स ऑन द अदर हैंड ये क्या करता है इंडिविजुअल का इनिशिएटिव खत्म करता है उसकी लिबर्टी फ्रीडम को खत्म करता है है को, mobility, कि वो एक ही जगह काम नहीं करते जो उनको मिला हुआ होता है, विरासत में business, है जो भी उनको वही कंटिन्यू करने को बोला जाता है एंड वो उनकी जो मोबिलिटी है उसको भी हिंडर करता है वो नई अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए बाकी जगहों पर नहीं जा पाते तो ये था आपका पहला टॉपिक इसका आई थिंक कंप्लीट हो गया हाँ जिसमें हमने सारा जो फैमिली का सेटअप है ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर सारा फैमिली क्या होता है फैमिली क्या होता है है अच्छा है किन किन पॉइंट्स पॉइंट्स पे पे अच्छा बुरा है, और फैमिली को कैसे कैसे हमें किन फैक्टर्स पे देखना चाहिए वो सारा कंप्लीट हो गया अब हम आते हैं मैरिज इन इंडिया पे जो एंशियंट हिंदू टेक्स्ट है वो कहते हैं थ्री मेन एम्स ऑफ मैरिज है आपके धर्म दैट इज आपके रिलीजियस ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज करना प्रजा प्रोजनी दैट मीन्स आपको अपनी जो ये है जेनरेशन है वो बढ़ानी है प्रोडक्शन एंड आपका रति दैट इज यूर एसेंशियल प्लेजर तो इन चीजों की वजह से क्या करते हो आप शादी करते हो यह आपको हिंदू टेक्स्ट में बोला जाता है इस्लाम कहते हैं जो मैरिज है इट्स वन ऑफ द सुननाज इट इज वन ऑफ द कमांडमेंट्स दैट हैज टू भी फुलफिल्ड सुनना होता है वो चीज आप फॉलो करते हो जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लाम ने की होती है ठीक है ट्रेडिशन ऑब्लीगेशन है ये विच मस भी फुलफिल्ड बाई एवरी मुस्लिम सो इवन फ्राम ए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू जो मैरेज है ये यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का रिपोर्ट ऑफ a committee ऑन द स्टेटस ऑफ women 1971 indicated that इंडिकेटेड दैट ऑनली पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ वेमेन नेवर इंडिया इसलिए जो मैरिज है काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता है और इंडिया जो है कहीं कही ना कहीं अभी भी एक रिलीजियस रिलीजन टाइड सोसाइटी है और आप देख लो कितना चाहे मॉडर्निटी बोलो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बोलो बॉलीवुड की शादियां देख लो जो बेसिक कोर है आपकी शादी का चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो कोई अगर हिंदू शादी कर रहा है रिसेंटली किसी की भी शादी देख लो तो जो रिलीजियस चीजें हैं शादी की वो साथ फेरे करना सिंदूर मंगलसूत्र उनमें कोई चेंजेस नहीं आई हाँ बाकी वो ब्राइडल एंट्री कैसे होगी एंड वो कैसे होगा आप कोई नए फंक्शंस ऐड ये सेरेमनी होगी वो सेरेमनी होगी वेडिंग फोटोशूट वगैरह ये ऐड कर लिया है प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग फोटोशूट लेकिन जो बेसिक एसेंस है जो रिलीजियस सैंक्शन प्रोवाइड करता था शादी को कि आपका कन्यादान होना इंपॉर्टेंट है एंड आपका सात फेरे होना इंपॉर्टेंट है मंगलसूत्र सिंदूर ये सारी चीजों के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती है या मुस्लिम्स में देखो अभी रिसेंटली अरबाज खान और शुरा खान की शादी हुई तो उसकी शादी में चाहे जो भी इन्वॉल्वमेंट थी बाकी फंक्शन वगैरह जो भी एड्स अपट्रैक्ट हुए हों लेकिन एक निकाहनामा दोनों को साइन करना पड़ा एक निकाह जो था वो पढ़ा पढ़वाया गया तो वो जो बेसिक रिलीजियस सैक्शन है रिलीजन का वो जो बेसिक रिलीजियस ड्यूटी है आपके मैरिज की वो वैसी ही है उसमें कोई चेंज नहीं आई है तो दैट मीन्स अभी भी रिलीजन टाइट सोसाइटी है हमारी तो इसीलिए शादी भी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलीजियस सैक्शन इसको मिला है खासकर हिंदूज में मैरिज को एक सेक्रीमेंट एंड ड्यूटी समझा जाता है लेकिन अमंग मुस्लिम शादी जो है उसको एक लीगल या लीगल छोटो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है ठीक है अकॉर्डिंग टू कपाड़िया इन हिज मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया राइट्स लाइक होम और प्रेयर्स पानी ग्रहना और टेकिंग द हैंड ऑफ द ब्राइड एंड सतपदी दैट इज योर सात फेरे वो मैरिज को एक सीड सेक्र, मीनिंग मीनिंग देते हैं एज अ रिजल्ट मैरिज को सेक्रेमेंट समझा जाता है हिंदूज में इसलिए बोला जाता है इनडिस्यूबल है अमंग हिंदूज की सात फेरू सात जन्मों का ये बंधन है आप शादी होगी तो घर से अर्थ ही आएगी मुस्लिम्स में ऐसा नहीं होता है मुस्लिम्स में डिवोर्स का तलाक का प्रोविजन जो है वो सिंस द वेरी बिगनिंग था इस वजह से उसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है इट इज बाउंड बाय रूल्स ऑफ एंडोगेमी एक्जोगेमी ये हमने देख लिया है बार बार एंडोगेमी और एक्जोगेमी एक्जोगेमी में विलेज एक्जोगेमी होती है कि आप अपने विलेज में शादी नहीं कर सकते या सपिंदा एक्जोगेमी होती है कि फाइव जनरेशन फ्रॉम फादर साइड एंड थ्री जनरेशन फ्रॉम मदर साइड आप शादी नहीं कर सकते हो एंडी आप कास्ट एंडी होती है कि आपको विद इन योर कास्ट ही शादी करनी है एंडो एंडो मीन विद इन और गैमी शादी से रिलेट होता है एक्जोगी विलेज एक्मी बोलते हैं दैट आउटसाइड द विलेज आपको शादी करनी है कास्ट एंडी बोलते हैं तो विद इन द कास्ट ओनली आप शादी कर सकते हैं तो यही सारी चीजें और एक्ट यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं वो आपको देखने हैं अमंग मुस्लिम्स जो मैरिज है इट इज स्टिल गवर्न बाय रिलीजियस फैक्टर्स एंड अनलाइक द कास्ट ऑफ हिंदूज देर इज नो लीगल कोड

मेहर तो जो मुस्लिम्स में है रेसिसम या कास्ट सिस्टम वगैरह ऐसे प्रेविलेंट नहीं है लेकिन शादी के केसेस में ये सारी चीजें सामने आती है, ये जो हैं ये प्रेफरेंसेस प्रेफरेंसेज मानी जाती हैं अनदर सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ मुस्लिम मैरिज मेहर मेहर को डावर भी बोला जाता है इंग्लिश में ये वो अमाउंट है जो लड़के को देना होता है लड़की को एट द टाइम ऑफ निकाह दैट मीन वो लड़की की चॉइस पे होता है कि वो डावर कितना डिमांड करेगी And अगर उसको वो नहीं मिलता है वो शादी उसी टाइम पे कॉल ऑफ कर सकती है एंड अगर उसको पूछा जाए कि क्या आपको निकाह कबूल है तो वो मना कर सकती है तो ये मेहर होता है जो वुमेन को एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन क्रिमिनलाइज ट्रिपल तलाक एंड फ्रीड मुस्लिम वुमेन ऑफ इंडिया फ्रॉम द क्लासेज ऑफ मिलीवल प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक तो ट्रिपल तलाक हमें पता होगा आपने पढ़ा होगा ये इसमें करंट अफेयर्स में 2019 में सो क्रिमिनलाइज किया गया दैट मीन सिंगल प्रनाउंसमेंट में जो तलाक दिया जाता है तलाक 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 उस चीज को क्या किया गया है क्रिमिनलाइज किया गया है ठीक है जो अदर फॉर्म्स ऑफ तलाक है देने के लिए वो अभी भी लीगल है मैरिज इन इंडिया हैज मेनी पेक्यूलर फीचर्स इन विच आर यूनिक टू इंडिया इन समीजेंस ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया लेवरेट एंड सरोट आर प्रैक्टिस लेवरेट क्या होता है जब देखो दो फॉर्म्स है लेवेरेट एंड सरोरेट आई गेस मैंने पहले एक्सप्लेन किया है दोबारा करती हूँ अगर किसी की किसी लेडी uh, के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो अपने हस्बैंड के बाई से शादी करती है दैट इज लेवरेट तो वो देवर बाबी की शादी होती है सरोरेट इज जीजा साले की शादी होती है किसी हस्बैंड uh, की अगर वाइफ इनफर्टाइल है दैट मींस कैन बी एर अ चाइल्ड या उसकी डेथ हो जाती है तो वो डिसीज वाइफ की सिस्टर से शादी करते हैं तो उसको सरोट बोलते हैं ठीक है इसको आप याद रख सकते हो एस से एस मीन साली तो जीजा साली शादी से, सरूरेट, लेवरेट फिर आपको खुद ही याद आ जाएगा यहाँ पे यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है लेवरेट जो है टैबू है अमंग दी हायर कास्ट इन नॉर्थ इंडिया हावर सरोट जो है वॉज प्रैक्टिस इन अपर कास्ट एज वेल ट्रेडिशनली जो मैरिज है इट इज गाइडेड बाई वेरियस रूल्स अकॉर्डिंग टू कपाड़िया मेड सिलेक्शन जो है थ्री रूल्स पे होती है फील्ड ऑफ सिलेक्शन पार्टी ऑफ सिलेक्शन एंड Criteria of selection which are limited by the rules like preferential code, prohibitive restrictions, endogamy and exogamy. isme kya kaha hai ki जो traditionally marriage jo thi it was also guided by some rules, theek hai कि हम कपाडिया ने बोला था जो mate selection, that means जो partner select करते हो, ये तीन rules पे base था। एक तो field of selection कि आप किस caste से अपना जो पार्टनर है वो चूज करोगे पार्टी ऑफ सिलेक्शन कौन चूज चूज कर कर रहा है आपके लिए आपके लिए पेरेंट्स रहे हैं आपका पार्टनर या आप खुद चूज कर रहे हो ठीक है है ये इंडिविजुअल खुद चूज करता क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या है कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से ही चूज करोगे ठीक है आपके लिए कोई इनकम इंपॉर्टेंट है आपके लिए कास्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टेटस इंपॉर्टेंट है तो ये सारी चीजें जो है पहले भी देखी गई थी और अब अगर आप चेंजेस इन मैरिज देखोगे रिसेंट ट्रेंड्स तो फील्ड ऑफ सिलेक्शन पार्टी ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन में भी चेंज आने को आपको चेंज देखने को मिलेगी अब पेरेंट्स का जो मिनिमल रोल हो गया है पार्टनर चूज करने में अब पहले पेरेंट्स बच्चों को मिलाते थे अब बच्चे पेरेंट्स को मिलाते हैं ठीक है क्राइटेरिया ऑफ अब लव मैरिज ज्यादा होती है तो कास्ट वगैरह चीज़ें हम नहीं देखते हैं फील्ड ऑफ सिलेक्शन भी काफी वाइड हो गया है इसमें भी आपका वो विलेज एक्सोग्रामी कास्ट एंड वो सारी चीजें जो है थोड़ी बहुत चेंज हो रही हैं लेकिन पहले यही तीन रूल्स फॉलो होते थे और एक किस बेस पे होते थे प्रेफरेंशियल कोड कि कहाँ पे आप प्रेफर करोगे शादी जिसे एंडोगी में आप प्रेफर करोगे ठीक है आपको एक्जोगी अवॉइड करनी है प्रोहिबिटिव रेस्ट्रिक्शन रिलेशन में शादी नहीं कर सकते हो अप अकास्ट लोअ अकास्ट वो सारी चीजें आपको देखनी है एंड एंडोगी एंड एक्जोगी ये सारे जो रूल्स हैं प्रेफरेंशियल कोड प्रोहिबिटिव रेस्ट्रिक्शन एंडोगी एक्जोगी ये डिटर्मिन करते थे आपके तीन ब्रॉड कटेगरीज दैट मीन फील्ड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा पार्टी ऑफ सिलेक्शन कौन होंगे एंड क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या होगा स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया डू अवे विद मेनी ऑफ दिज रूल्स बट फैक्टर्स लाइक कास्ट एंड रिलीजन जो है वो अभी भी इम्पोर्टेंट है लाइक अकॉर्डिंग टू कपाड़िया संस्कारा जो है बिग रोल शादी चूज करने में हाई क्वालिटी अभी भी हाई प्रीमियम किस पे रखा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑन द वर्जिटी ऑफ द गर्ल्स एंड दिस प्रमोटेड चाइल्ड मैरिजेस इन पास्ट ऑल्सो मुस्लिम्स में भी शिया एंड सुनी जो है दे प्रैक्टिस एंडी एंड देरी अमंग तो मुस्लिम्स एंड हिंदूज दोनों जो है दे आर रिलीजियस आप बोल सकते हो शादी की चीजों में भी दे आर गाइडेड बाय देयर रिलीजन लाइक फैमिली मैरिज जो है एज एन इंस्टीट्यूशन हैज आल्सो अंडरगॉन सेवरल चेंजेस आपको शारदा एक्ट मिलेगा जैसे एज ऑफ कंसेंट चेंज होगी 18 गर्ल्स एंड 21 बॉयज हिंदू मैरिज एक्ट स्पेशल मैरिज एक्ट इंटरकास्ट मैरिजे जो है वो प्रमोट की गई और ठीक है उनको अलाउ किया गया और पॉलीगैमी वगैरह को बैन किया गया इन एक्ट से और री जो है वो भी अलाउ किया गया ये हिंदूज में हुआ मुस्लिम्स में सारी चीजें पहले से अलाउड थी फैमिली एंड मेरेज है फैक्टर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जोग्राफिकल मोबिलिटी की वजह से मनी ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन जो है आज स्टंड आज स्टंड फॉर न्यू एविन्यूज लीडिंग टू न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली यहां पर हमने पढ़ा सारा लीगल फैक्टर्स ने भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया एजुकेशन ने भी क्योंकि लिबरल आइडियाज आ गए तो अकॉर्डिंगली डिवोर्स रीमेरिज वगैरह ये सारी चीजें जो है नॉर्मल लगने लगी मैनर ऑफ मेड सिलेक्शन जो ये भी चेंज हो रहा है जैसे मैंने अभी आपको बताया लव मैरिजेस जो है ये कॉमन हो रही है इवन इन सम कंजर्वेटिव हब यूथ है दे फ्लाउट द ट्रेडिशनल नॉर्म्स लाइक हब एंड गोत्र एंडोगी रूल्स टू चूज येड्स इन अ फ्रीयर मैनर ठीक है क्योंकि कंजर्वेटिव जगहों पर अभी भी देखो तो खप पंचायत वगैरह जो होती है उनका बोलबाला उनका रूल अभी भी चलता है एंड गोत्र एंडोगी जो है यूथ भी एंडोर्स करते हैं इन सब चीज़ों को क्योंकि रिलीजन की जो इम्पोर्टेंस है वो विद टाइम बढ़ रही है तो यूथ इस चीज़ को बाद में डिस्प्ले एंड शो ऑफ भी करते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस जो है ये भी दे आर ऑल्सो बिकमिंग हाइब्रिड फॉर्म्स ऑफ मेट सिलेक्शन लाइक लव मैरिज ऑल्सो आर इमर्जिंग ठीक है जैसे पहले लव अरेंज हो गई पहले चूज कर लिया फिर पेरेंट्स को मिलाया अरेंज लव हो गया तो ऐसी सारी चीजें जो हाइब्रिड फॉर्म्स है ये भी इमर्ज हो रही हैं करियर ओरिएंटेशन स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन दे आर लीडिंग टू राइज इन एज ऑफ मैरिजेस वो भी बढ़ गई न्यू एक्सपेरिमेंट्स लाइक लिव इन सिंगल पेरेंट फैमिली सेम सेक्स से दे आर नाउ गेनिंग मोर इम्पोर्टेंस खुशबू वर्सेज कन्यामल केस ऑफ टू थाउजेंड टेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप जो है इट कम्स विद इन द एमबिट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन तो वहां से भी परमिशन मिली टू थाउजेंड एटीन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया डिक्रिमिनलाइज कि किया होमोसेक्सुअलिटी को तो ये भी एक फॉर्म ऑफ फैमिली और मैरिज यहाँ से भी चेंज हुआ 2021 ने गोवा गवर्नमेंट मेकिंग प्री मैरिटल काउंसलिंग जो है वो मैंडेटरी बनाई राइजिंग केस ऑफ डिवोर्स एंड सेपरेशन तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो रिसेंट ट्रेंड में आप लिख सकते हो विद ग्रेटर इंफ्रूजन ऑफ टेक्नोलॉजी इट वॉज एक्सपेक्टेड कि एक सेक्यूलर साइंटिफिक आउटलुक वुड इमर्ज एंड कॉन्सिक्वेंटली जो नॉन एसेंशियल रिचअल एंड कस्टम्स है विल बी डन अवे विद वो मैंने कहा वो वैसा तो कुछ नहीं हुआ जैसे मैंने आपको बॉलीवुड की शादियां बोली कि ये सारी चीजें नया वहां पे बहुत एडिशंस हुई लेकिन जो कोर था रिलीजन का जो शादी का वो कस्टम्स वगैरह वो वैसे ही हैं ठीक है मटीरियलिज्म इन मैरिज सम इज कंटिन्यूज टू ग्रो एंड रिचुअलिज्म जो है रिफ्यूजेज टू डाई इन इंडिया इन फैक्ट मैरिज अगली जो है इज वन ऑफ द इवेंट इन लाइफ एन इंडिविजुअल्स वॉलंटियरली और अनविलिंगली शो के इज यर स्टेटस टू द वाइडर सोसाइटी हमें पता ही आजकल की शादियों में क्या हो रहा है जैसे मेट्रमोनियल वेबसाइट्स आ गई तो एक आपने टेक्नोलॉजी यूज की शादी आपने पार्टनर चूज करने के लिए लेकिन अब मेट्रीमोनियल वेबसाइट में कास्ट बेस्ड आ गई कि आपको जट कम्युनिटी में शादी करनी है तो आपको मिलेगा आपको पर्टिकुलर रिलीजन में शादी करनी है अलग अलग रिलीजन के अलग अलग मेट्रीमोनियल वेबसाइट्स आ गए दैट मीन्स आप टेक्नोलॉजी से अपना ट्रेडिशनल रिलीजन जो है वो री भी कर रहे हो ज ए कॉर री मैरेज फिगर्स लोअर स्टिल बिकॉज रीमैरिज इन इंडिया की जो है अभी भी मॉडर्न सोसाइटी में उसके अपने सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैं चैलेंजेस हैं। तो ये हुआ सारा मैरिज का ये एक बार रिवाइज कर लेना हमने यहाँ तक सारा पढ़ लिया मैरिज इन इंडिया रिलिजस ड्यूटी क्या उसमें रिसेंट चेंजेस क्या आ गए ट्रेंड वगैरह एंड कौन से लीगल प्रोविजन जो है वो उसको फेसिलिटेट करने के लिए अब देखते हैं हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली हाउस होल्ड हमने पेपर ए में भी डिटेल में कवर किया है हाउस होल्ड आप घर को बोलते हो ड्वेलिंग यूनिट जिसमें आप रहते हो ऑफन टर्म रेजिडेंशियल यूनिटी ऑफ अ फैमिली और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अ हाउस होल्ड में भी अ फैमिली हाउस होल्ड नॉन फैमिली हाउस होल्ड अ इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड फॉर एग्जाम्पल फैमिली है इकट्ठे रह रही है हाउस होल्ड फैमिली हाउस होल्ड है नॉन फैमिली हाउस होल्ड आप टेनेंट एज टेनेंट कहीं पे रह रहे हो तो वहाँ आपकी फैमिली नहीं है पर वो भी आप एक हाउस होल्ड में रह रहे हो इंस्टीट्यूशन हाउस होल्ड हो गए आप कहीं हॉस्टल वगैरह में डॉमिट्रीज में वहां पे रहते हो ठीक है सिमिलरली एक फैमिली जो है मे एग्जिस्ट विदाउट अ हाउस होल्ड और जो हाउस होल्ड है इट मे एग्जिस्ट विदाउट अ फैमिली हाउस होल्ड जो है इंपॉर्टेंट डायमेंशन है फैमिली का बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन इन टर्म्स ऑफ कॉमन रेजिडेंस होता है इन डिफाइनिंग अ फैमिली एज इधर अ ज्वाइंट फैमिली और अ न्यूक्लियर फैमिली ठीक है तो हाउस होल्ड डायमेंशन किस लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कंसिडर किया जाता है क्योंकि हाउस होल्ड आपको एक कॉमन रेजिडेंस बताता है क्योंकि एक घर में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ज्वाइंट फैमिली के लिए ऑल दो कॉमन रेजिडेंस ही एक सोल फैक्टर नहीं है लेकिन अभी भी कई स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है ज्वाइंटनेस ऑफ फैमिली बताने के लिए बाइ अ फैमिली में स्टिल रिमेन ज्वाइंट इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑरिएटेशन इट मे ऑलरेडी बी अ न्यूक्लियर फैमिली ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली मे नॉट लिव इन द सेम हाउस होल्ड ऑल द टाइम ठीक है तो हो सकता है ऑरिएंटेशन आपकी ज्वाइंट हो दैट मीन्स आपका किनशिप के साथ रिलेशनशिप एंड बाकी सारी चीजें वो हों ज्वाइंटनेस वाली लेकिन आप एक हाउस होल्ड में नहीं रहते हो

लोई इज वर्थ एटसेट्रा बट दिस व्यू हैज बीन फाउंड ओनली पार्शली करेक्ट इन द इंडियन कॉन्टेक्स इंडियन कॉन्टेक्स में क्या अलग है इट इज वाइडली अग्रीडेड हाउस होल्ड एज ए यूनिट अंडरगोज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन एंड फिशन ये मैंने आपको बताया फ्यूजन एंड फिशन कैसे होती है एक फैमिली में एड हुआ एक फैमिली से वो निकल निकल के कहीं और रहा तो वहां पर क्या हुआ सब्ट्रैक्ट हो गया सोशियोलॉजिस्ट लाइक एम शाह कपाड़िया कोलिंडा गोर एंड अदर्स हैव ऑब्जर्व ए चेंज फ्रॉम न्यूक्लियर टू जॉइन टू न्यूक्लियर विदिन अ पीरियड ऑफ टाइम पहले दो कपल होते हैं वो शादी करते हैं उनके बच्चे होते हैं तो उनकी फिर ज्वाइंट फैमिली बन जाती है जितने बच्चे साथ रहते हैं हो गया न्यूक्लियर टू तो ज्वाइंट फिर क्या होता है ज्वाइंट फैमिली में जो शादी जिन बच्चे होते हैं अनमेरिड कल को उनकी शादी होगी वो घर से अलग निकलना शुरू हो जाते हैं तो फिर वापस क्या आ गया न्यूक्लियर फैमिली अब ये साइक्लिकल मैनर में चलेगा ये न्यूक्लियर फैमिली कल को फिर से ज्वाइंट बनेगी वो ज्वाइंट फैमिली फिर से ब्रेक हो जाएगी जब बच्चों की शादी हो जाएगी तो वो फिर से क्या बनेगी आगे जाके न्यूक्लियर फैमिली

और बोथ ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, अडॉप्शन इन मैरिज आउट मैरिज डेथ डिवोर्स सेपरेशन ऑफ मेंबर्स और टाइम सिंपल सी चीजें मुझे आई डोंट थिंक इतना इसको डीपली एक्सप्लेन करने की जरूरत है किससे ये प्रोग्रेशन और रिग्रेशन होगा बर्थ से क्या होगा प्रोग्रेशन होगा अडोप्शन से प्रोग्रेशन होगा इन मैरिज से प्रोग्रेशन होगा आउट मैरिज से रिग्रेशन होगा डेथ से रिग्रेशन होगा डिवोर्स से प्रोग्रेशन होगा क्योंकि अगर डिवोर्स हो गया बेटी का वापस घर आएगी ठीक है अगर बेटे का डिवोर्स हो गया हो सकता है पेरेंट्स के साथ तो वापस रहने आए तो ये सारी चीजें जो हैं जो अभी तक हम फैमिली मैरिज इन सब चीजों में पढ़ रहे हैं आप समझ सकते हो कि उसी कोई उसी का ही तोड़ जोड़ है इसमें कोई नए एज सच कॉन्सेप्ट नहीं है

फॉर दिस रीजन शाह यूज द टर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हाउस होल्ड्स रदर दें द न्यूक्लियर द ज्वाइंट हाउस होल्ड एज अ टर्म हाउस होल्ड इज यूज फॉर रेजिडेंशियल ग्रुपिंग एंड द टर्म फैमिली इज यूज फॉर अ ग्रुप रिलेटेड थ्रू किनशिप इमोशन रीचुअल एंड लीगल डायमेंशन तो ये सारे डायमेंशन है जिनपे एक फैमिली जो है वो रहती है इज रिलेटेड टू किनशिप पे इमोशनल बॉन्ड्स पे रीचअल बॉन्ड्स पे एंड लीगल डायमेंशन पे एंड जो हाउस होल्ड है उसको ए एम शाह ने न्यूक्लियर और जॉइंट नहीं बोला सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स बोला क्योंकि जो हाउस होल्ड है उसका बेसिस एक रेजिडेंस क्योंकि हम वहाँ पे एक एक डुवेलिंग यूनिट एक घर की बात करते हैं मकान की बात करते हैं ये फैमिली इज है घर योर हाउस होल्ड इज मकान जिसमें आप रहते हो यूजिंग दिस कंसेप्चुअल डिस्टिंक्शन बिटवीन फैमिली एंड हाउस होल्ड शाह ने कहा कि जो प्रपोर्शन ऑफ ज्वाइंट फैमिलीज है सेम इफ नॉट इंक्रीज ओवर द पास्ट ये हमने देख लिया पीछे किनशिप डायमेंशन ऑफ हाउस होल्ड पैटर्न जो है इंपॉर्टेंट है टू मेक अ मीनिंगफुल एनालिसिस ऑफ क्वानिटेटिव डेटा विच शोज के ओनली राइज इन द नंबर ऑफ हाउस होल्ड ये भी हमने देख लिया ठीक है क्योंकि किनशिप जो ओरिएंटेशन है वो आपको देखना ज्यादा जरूरी है जब आप ये सारा डेटा एनालाइज करते हो तो आपको किनशिप ओरिएंटेशन जो है वो देखना जरूरी है उससे आपको पता चलेगा ज्वाइंटनेस ऑफ फैमिली जो है वो कहाँ पहुंची है अकॉर्डिंग टू एम शाह जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाउस होल्ड जो है इट इज अफेक्टेड बाई थ्री मेजर फैक्टर्स पहला है डेमोग्राफिक फैक्टर विच नॉट ओनली इंक्लूड द फिनोमिन ऑफ बर्थ एडल्टूड एंड डेथ बट ऑल्सो सेक्स इंड नंबर ऑफ तो पहले कौन सा आ गया डेमोग्राफिक फैक्टर्स वहाँ पे बर्थ हो रही है कितने बच्चे हैं कितने बड़े हैं जेंडर्स उनके वो सारी चीजें सेकेंड फैक्टर स्टेटेड नॉर्म्स रिगार्डिंग द रेजिडेंस ऑफ वेरियस रिलेटेड इन द हाउस होल्ड तो रेजिडेंशियल पैटर्न जो है वो सेकंड फैक्टर में आएगा थर्ड इज द पैटर्न ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन द हाउस होल्ड गवर्न बाय नॉर्म्स ऑफ द कोर्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट अटैच टू किनशिप रिलेशनशिप्स इन द हाउस होल्ड कि थर्ड क्या होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपका कैसा है फॉर एक्साम्पल छोटों के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है जो आपके बड़े हैं उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है आपके जो फीनियल बॉन्ड है पेरेंटल बॉन्ड है वो कैसा है फ्रेटर्नल बॉन्ड जो है वो कैसा है वो सारी चीजें जो आती है वो इसके थर्ड फैक्टर में आती है इससे कहा जो डेवलपमेंट ऑफ हाउस होल्ड है वो तीन फैक्टर्स से इफेक्ट होता है अब अगर आपको हाउस होल्ड के रिलेटेड कुछ भी आ गया तो नाउ यू नो आपको एम शाह नाम जरूरी याद रखना है क्योंकि इन्होंने इस पर एक्सटेंसिव स्टडी की थी एम शाह की इसको आपने अब बुक नाम रखना है एच डी एफ द हाउसफुल्ड डैम फैमिली इन इंडिया ठीक है आईपी देसाई इन स्टडी ऑफ सम ऑफ फैमिली इन महुआ इन्होंने कहा था कि प्रूर के साइक्लिकल पैटर्न ऑफ पेट्रीलोकल न्यूलोकल पेट्रीलोकल रेजिडेंस दैट इज जॉइन टू न्यूक्लियर बैट बैक अगेन टू जॉइंट रेजिडेंसी मे कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट इन सिटी विलेज एंड टाउन एंड देर इज नो कंक्लूज एविडेंस टू प्रूव एनी चेंज इन वन डायरेक्शन तो दरअसल ऐसा नहीं होता कि जॉइंट से न्यूक्लियर होगी और खत्म हो गई ये क्या होता है साइक्लिकल मैनर में चलता है पहले अगर न्यूक्लियर फैमिल जिसमें मैंने अभी आपको बताया न्यूक्लियर से पहले ज्वाइंट हो गई ज्वाइंट से फिर से न्यूक्लियर हो जाएगी न्यूक्लियर से कल को फिर से ज्वाइंट होगी ये अगर आप ज्वाइंट से स्टार्ट करते हो पहले जॉइंट फैमिली थी वो 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 ब्रेक हो गई न्यूक्लियर बन गई न्यूक्लियर फैमिली में भी कल को बच्चे होंगे तो वो फिर से ज्वाइंट फैमिली बनेगी जब बच्चे लेके साथ में रहोगे उनकी शादियाँ होगी फिर भी साथ में रहोगे कल को जब बच्चों की फिर शादी होने के बाद उनकी फैमिलिया बढ़ जाएंगी तो फिर से एक न्यूक्लियर सेटअप आ जाएगा तो ये एक साइक्लिकल पैटर्न में चलता है रेपो एंड रेपो इन दियर स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल फैमिलीज अक्रॉस रिजन फाउंड दैट ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउस होल्ड आर लार्जली इन्फ्लूंस बाई फैक्टर्स लाइक क्लास एथनसिटी लाइफ कोर्स पर्टिकुलर कॉन्टेक्स फॉर एग्जाम्पल फॉर मिडिल क्लास हाउस होल्ड इज न्यूक्टर हाउस होल्ड एंड फर अपर कास्ट इट अपर क्लास इट इज यूजअली अ ज्वाइंट हाउस होल्ड ठीक है अपर क्लास यूजअली क्योंकि उनका बिजनेस इतना बड़ा होता है तो इस वजह से वो क्या करते हैं वो सारे इकट्ठे ही रहते हैं अगर आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिलीज देखो ठीक है वो क्या करती हैं वो सारी इकट्ठी ही रहती हैं लेकिन आपकी जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं जॉब ओरिएंटेड होती है हर किसी को अपनी अपनी जॉब मिलती है और हर कोई मूव आउट करता है क्योंकि फाइनेंशियली भी किसी एक दूसरे के साथ कोई उनका लेना देना नहीं होता है लेकिन बड़ी बड़ी फैमिलीज में यूजली जो बिजनेस होता है वो ज्वाइंटली ओन्ड होता है और इतना बड़ा बिजनेस होता है वो संभालने के लिए आपका इकट्ठे रहना भी जरूरी बन जाता है ड्यू टू फैक्टर्स लाइक डिवोर्स सेपरेशन ऑक्युपेशन कंपल्शन सोशल मोबिलिटी एंड डिजर्शन डेजर्शन द हाउसफुल डायमेंशन ऑफ फैमिली इज ऑल्सो चेंजिंग अब डिवोर्स की वजह से सेपरेशन की वजह से काम काज की वजह से माइग्रेशन की वजह से सेप और आप अलग किसी को कर देना उसकी वजह से जो हाउस होल्ड डायमेंशन है वो भी चेंज हो रहा है टूडे फैमिली मे और मे नॉट हैव अ सिंगल हाउस होल्ड और इवन अ हाउस होल्ड एट ऑल एंड अ हाउस होल्ड मे एग्जिस्ट विदाउट अ फैमिली ठीक है आपका डिवोर्स हो गया तो मतलब अब आप फैमिली नहीं हो आप एक घर में भी अगर रह रहे हो आप डिवोर्स के केस में क्या करोगे आपका हाउस होल्ड भी अलग हो गया फैमिली भी अलग होगी सेपरेशन के केस में क्या हो गया आप अभी भी एक फैमिली हो लेकिन आपके हाउस होल्ड अलग है ऑक्यूपेशनल कंपल्शन में क्या हो आप फैमिली हो लेकिन आपके हाउस होल्ड अलग है सोशल मोबिलिटी में भी यही है डिजर्शन में भी क्या है आपके हाउस होल्ड जो है वो अलग हो जाते हैं लेकिन अभी आप एक फैमिली ही हो डिवोर्स के केस में आपकी फैमिली भी टूट गई एंड आपका हाउस होल्ड भी टूट गया तो ऐसा जरूरी नहीं दोनों चीजें साथ में एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास वो फैमिलीज हैं जो फैमिली है विदाउट हाउस होल्ड अगर फैमिली है लेकिन सब सोशल मोबिलिटी की वजह से ऑक्युपेशन कंपल्शन की वजह से अलग अलग रहते हैं तो सारे अलग अलग फैमिली है लेकिन उनका कोई एक हाउस होल्ड नहीं है ठीक है या अगर आप किराएदार रखते हो अपने घर में आप दस अलग फैमिली से लोग रखते हो तो दस लोग साथ में रह रहे हैं तो हाउस होल्ड एक है लेकिन वो एक फैमिली एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये सारी चीजें यहां पे बोली गई है अकॉर्डिंग टू सेंसस टू थाउजेंड जो एवरेज साइज ऑफ हाउस होल्ड है वो डिक्रीज हो गया है एंड नंबर ऑफ हाउस होल्ड हैज इंक्रीज इन एब्सोल्यूट नंबर नंबर ऑफ हाउस होल्ड काफी रीजन की वजह से इंक्रीज हो सकते हैं जैसे माइग्रेशन जॉब सेपरेशन डिवोर्स जो हमने यहाँ पे देखा बट दिस कैन बी लार्जली एंट्रीब्यूटेड टू द डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन दैट इंडिया इज अंडर गोइंग को इंडिया का करंट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या बोलते हैं ऑल दो पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है लेकिन उसके साथ उतने रिसोर्स नहीं बढ़ रहे हैं सोशो इकोनॉमिकली उतने एडवांस नहीं हुई हो जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इस वजह से क्या होता है काम की वजह से आपको मूव करना पड़ता है आप एक जगह नहीं रह पाते हो तो इस वजह से आपके जो हाउस होल्ड है वो इंक्रीज हो जाते हैं एक घर में अगर पांच बाई हैं तो पांच बाई कल को सिटीज में जाके काम करेंगे तो पांच हाउस होल्ड बन जाएंगे ठीक है तो यहाँ जहां वो पांच बाई इकट्ठे रहते थे तो साइज ऑफ हाउस होल्ड वहां पर कम हो गया एंड सिटीज में जाके जहां वो पांच सेपरेट घरों में रहने लगे तो वहां पे पांच हाउस होल्ड जो है वो बढ़ गए ठीक है यही इस लाइन का मतलब है दिस ट्रेंड ऑफ डिक्रीजिंग साइज ऑफ हाउस होल्ड रिफ्लेक्ट्स मेनी चेंजेस थ्रू विच इंडियन सोसाइटीज अंडर गोइंग फॉर एग्जाम्पल वाई फैमिली इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैरिज हाउस होल्ड्स कैन बिक कम इन टू एक्जिस्टेंस ड्यू टू ऑक्युपेशन रीजन की वजह से लिव इन रिलेशनशिप की वजह से सेक्शुअल प्रोमिसक्टी एंड माइग्रेशन की वजह से फैक्टर्स लाइक डिक्रीजिंग फर्टिलिटी एंड न्यूक्राइजेशन ऑफ फैमिली जो है वो भी इफेक्ट करते हैं आपके हाउस होल्ड साइज को क्योंकि अगर फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है दैट मीस आपके कल को कोई बच्चे नहीं है तो आप दो ही कपल साथ रहते family, family हो न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली जॉइंट फैमिली ब्रेक होकर न्यूक्लियर बनती जाती है दैट मीस हाउस होल्ड जो है यहाँ पे वो इंक्रीज हो जाएंगे सो विद द प्रोफाउंड चेंजेस दैट हाउस होल्ड इज अंडर गोइंग इट्स मीनिंग एंड रेलिवेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली इज ऑल्सो चेंजिंग तो ये सारी चीजें हाउस होल्ड से रिलेटेड ये आप याद रख लेना एंड सेकेंडली नाम ए एम शाह हाउस होल्ड में एच डी एफ आप याद रखोगे एंड थोड़ा बहुत इंडियन कॉन्टेक्स में हाउस होल्ड के बारे में क्या बोला गया है एंड आपकी जो फैमिली है हाउस होल्ड इज नॉट इक्वल इन टू फैमिली वो दो चीजें आपको उसका कंफ्यूजन भी क्लियर होना चाहिए अब लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का पेट्री आर की एंटाइटलमेंट एंड सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर इन इंडिया पेट्रीआर की जो है ऑपरेट करती है एट मल्टीपल लेवल इन बेस्ट जो पोजिशन ऑफ वेमन है इज ऑफन एक्सप्रेस इन इकोमिक टर्म थ्रू इंडिकेटर्स लाइक एम्प्लॉयमेंट डिसीजन मेकिंग ऑन फाइनेंशियल मैटर्स ओनरशिप राइट पे इंडिया में आपको जो वुमेन का स्टेटस है वो कौन डिटर्मिन करता है उनके रिचुअल्स किनशिप सोशल रोल्स कल्चरल वैल्यूज ठीक है दे ऑल्सो डिटर्मिन स्ट्रक्चर्स एंड हेंस एंडलमेंट एसोसिएटेड विद द पोजिशन ऑफ द वुमेन कि क्या रिचुअल्स आपको पोजिशन देते हैं सोसाइटी में किनशिप में आपकी क्या इंपॉर्टेंस है सोशली आप कौन सा रोल परफॉर्म करते हो तो ये सारी चीजें इंडिकेटर है आपके जो पोजिशन ऑफ वुमेन है इन सोसाइटी में इंडिया में और वेस्ट में क्या इंडिकेटर है एम्प्लॉयमेंट है कितनी डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंस कितनी दी जाती है ओनरशिप राइट्स क्या है इकोनॉमिक राइट्स क्या है फर्दर देर इज रिमार्केबल वेरिएशन इन एंटाइटलमेंट एंड सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर अक्रॉस वेरियस कास्ट एथनिक ग्रुप रीजन एज ग्रुप रिलीजन क्लासेस तो इन सब कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो रोल ऑफ वुमेन है उसके जो एंटाइटलमेंट है उसके हकूक हैं एंड जो सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर है कि उसको क्या काम करना है वो चीज़ वेरी करता है एंटाइटलमेंट हो गया टू एंड सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर हो गया अगर हम एग्जाम्पल फैमिली की ले आपके फादर जो है उनके लिए कोई एक स्पेसिफिक काम होगा करने का से वो जैसे बाहर जाएंगे कमाएंगे इनकम वगैरह उनसे रिलेटेड है एंड मदर का घर का काम काज बच्चे संभालना ठीक है खाना बनाना बर्तन धोना कपड़े धोना वो सारे काम हम किसे एसोसिएट करते हैं मदर से एंड फादर से अर्निंग ठीक है तो ये एक काइंड ऑफ डिविजन ऑफ लेबर है क्यों घर चलाने के काम को स्प्लिट किया गया है बिटवीन दो जेंडर्स यहाँ पे तो इसीलिए इस टाइप ऑफ डिविजन ऑफ लेबर को हम बोलते हैं सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर द एक्सटेंट ऑफ पेट्रीआर इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन नॉर्मल क्लेचर जैसे कुलपति हम यूज करते हैं वाइस चांसलर के लिए राष्ट्रपति फॉर प्रेजिडेंट के लिए तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कहीं आप पे भी आपको वुमेन सेंट्रिक नाम भी नहीं दिखने को मिलेंगे ठीक है पेट्री आर की मैनिफेस्ट इट फॉर्म्स लाइक ऑनर किलिंग जहाँ पे लव मैरिज वो करें तो फिर इस बात पे उनको कत्ल कर दिया जाए डेप्रिवेशन रिलेटेड टू विडो फूड जो एक बार विडो हो जाती है बाद में कितने स्टिगमा एसोसिएट होते हैं उनके साथ उनकी री मैरिजेस में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं ठीक है ये सारी चीज़ें भी क्या मैनिफेस्ट करती हैं पेट्रीआर की सोसाइटी में द पोजिशन ऑफेन इंडियन सोसाइटी फैमिली लॉयल्टी टू हस्बैंड भी कहा बोला जाता है कितनी ह्यूमिलिटी है उसमें कितनी हम्बल है कितनी बर्दाश्त करने की ताकत है वो सारी चीजों से आपका एक अच्छा होना जो है वो अः प्रेजेंट करता है मैनिफेस्ट करता है ठीक है एंड अगर आप वापस जवाब देते हो आप क्वेश्चन करते हो आप ऑर्थोडॉक्स नेचर को क्वेश्चन करते हो ठीक है आप पे जो आ, चीजें आपको फॉलो करने को बोलो बोली गई हैं बहुत पहले से उन चीजों का आप क्वेश्चन करते हो जो आपको लॉजिकल नहीं लगती हैं तो आपको क्या बोला जाता है रिबेल बोला जाता है ये अच्छी लड़की नहीं है सोसाइटी के इसके अकॉर्डिंग जो है सोसाइटी ने जो आइडियल इमेज क्रिएट की है वुमेन की उसमें आप फिट नहीं होगे अगर आप थोड़ा आपका रिबेलियस नेचर होगा ना आप हर चीज को क्वेश्चन करोगे तो ये यहाँ पे बोलने का मतलब है इवन महात्मा गांधी ओपिनियन दैट वुमेन हैज इंड हैज इन्फिनाइट कैपैसिटी फॉर सफरिंग बिकॉज शी इज द मदर ऑफ अ मैन ठीक है तो ऐसी सारी बातें बोलना कि ये तो देवी है ठीक है एंड uh, इसमें बर्दाश्त करने की ताकत होती है ये वुमेन बहुत पेशेंट होती है ये काम सिर्फ माँ का होता है ये सिर्फ माँ कर सकती है मदर जो है वो सुपर वुमन होती हैं ये सारी चीजें वुमेन को और नीचे खींचता है क्योंकि मदर सुपर वुमेन नहीं होती उनको सोसाइटी ने चाहते हैं सुपर वुमेन बने मदर उनको सुपर वुमेन एज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे uh, जैसे उनको सोसाइटी देखना चाहती है मदर को तो वो खुद को वैसे ही रखना चाहती है ऑल दो मदर भी आराम करना चाहेगी बीच में कि उनका बच्चा कोई और संभाले वो थोड़े रेस्ट करे लेकिन सोसाइटी माँ को ये सब कुछ करते हुए नहीं देख सकती उसको माँ को सैक्रीफाइस करते हुए ही देखना है इसीलिए आप घर में भी देखोगे हर स्टेप पे सिर्फ मदर ही जो है वो ज्यादा सेक्रीफाइस करेंगी करुणा अहमदी एक स्टडी करी थी रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया उसमें इन्होंने चार चीजें बताई जो हमें यहाँ पे देखनी है जो रिफ्लेक्ट करता है सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर इन इंडियन सोसाइटी भी कैसे होता है ठीक है पहला हो गया क्लस्टरिंग ऑफ वुमेन इन फ्यू ऑक्यूपेशन आपको वुमेन जो है वो फ्यू ऑक्यूपेशन में ही मिलेंगी इवन सर्विसेज में भी थोड़े टाइम पहले ही इनकी एंट्री होना शुरू हुआ है एज ऑक्युपेशन एंड मेस्कुलिन जैसे टीचिंग जॉब जो है वुमेन के लिए परफेक्ट है ये बोला जाता है तो यहाँ पे आप स्टीरो टाइप कर रहे हो उनके काम को इन इंडिया द वर्ड नर्स जो है वो फीमेल के साथ एसोसिएट अगर आप मेल नर्स सुनोगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा ना लड़के को कि मैं नर्स हूँ ये सारी चीजें

क्योंकि काम देगा कौन वुमेन को काम देने के लिए वैसे ही थोड़ा हेजिटेंट होते हैं क्योंकि इनको पता है काम दिया कल को इनकी शादी है फिर बच्चे हैं तो हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा हमें कल को इनको पेड लीव्स देनी है मेटर्निटी लीव्स देनी है तो इन सब चीज़ों की वजह से भी वुमेन जो है वो पीछे रह जाती हैं एम्प्लॉय जो है वो भी उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं दी आज ए वेल रिकग्नाइज फिन ऑफ इनविजिबल ग्लास सीलिंग ग्लास सीलिंग होती है जो इनविजिबल बैरियर्स सोसाइटी उनके लिए पुट करती है कि वो काम नहीं कर सकते हैं प्रेजेंट इन मोस्ट प्रोफेशन विच प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम फ्रॉम रीचिंग द टॉप जॉब्स ठीक है उनके लिए ग्लास सीलिंग प्रेजेंट होती है ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशन में जिसकी वजह से वो अपने टॉप पोजिशन पे नहीं पहुंच पाती हैं जैसे मैंने यही बोला आपको फैमिली है बच्चे हैं पेड लीव है मेटर्निटी है, है तो ये सारी चीजें जो है उनको रोकती है आगे ज्यादा जाने से या कोई अगर जॉब है तो दैट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग आउट ऑफ कंट्री जाना तो वो सारी चीजें भी है वो नहीं कर पाती है वुमेन इसकी वजह से भी उनको जो है टॉप जॉब्स नहीं दी जाती हैं टी एस पपोला इन ही स्टडी ऑफ लखनऊ वुमेन एम्प्लॉयमेंट शो दैट वुमेन वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट प्रमोशंस के टाइम पे भी एंड दे टेंडेड टू बी द लोअर स्टेटस ठीक है देर जॉब्स एंड प्राइमरी स्कूल जॉब्स एट होम ऑल्सो सिमिलर डिविजन ऑफ वर्क टेक्स प्लेस हाउस होल्ड चोर्स जो है दे आर एट्रीब्यूटे जो मेल वर्क है आउटसाइड द फैमिली ऐसा बोला जाता है ना कि सिर्फ फादर काम करते हैं क्योंकि वो घर से बाहर जा रहे हैं कमा रहे हैं तो उनका काम दिखता है लेकिन वुमेन रहना घर का काम करना बच्चे संभालना दैट इज ट्वेंटी फोर सेवन जॉब हर किसी को संडे के दिन लीव मिलती है पर आपकी मम्मा को संडे के दिन लीव नहीं मिलेगी उनको संडे के दिन भी इनफैक्ट ज्यादा काम पड़ेगा क्योंकि हर कोई घर में होगा हर किसी की डिमांड होगी ये खाना है वो खाना है तो उनको संडे को भी आराम नहीं मिलता है तो ये सारी चीजें जो है ये ओवरलुक की जाती हैं रीचुअली ओनली वेमेन आर ओब्लाइज टू कीप व्रत जैसे आप वो रखते हो करवा चौथ का व्रत ठीक है वुमेन आर एम्प्लॉयड इन आउटसाइड वर्क द डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल रिमेन विद दम एंड दे डू ऑलमोस्ट डबल शिफ्ट ऑफ वर्क अगर चलो काम पे जाती भी हैं लेकिन वहाँ से आके उनको जैसे फादर को वहाँ से आके आराम मिलता है मदर को नहीं मिलता है घर आके उनको फिर होता है कि अच्छा मैं दिन भर बाहर थी तो मैं घर संभालू अब मैं घर का काम अगर वो तभी अभी आई हैं बाहर से तो उनका पहला काम होगा देखना क्योंकि हस्बैंड को चाय उन्हें हस्बैंड ने चाय पिया नहीं उनके जो इन लॉज है वहाँ पे मदर फादर है या मदर फादर इन लॉज है उन्होंने चाय पिया नहीं बच्चों ने खाना खाया नहीं चाहे कि बाकी मेंबर्स घर में ही हो और वो बाहर से आई हो पर उनको कोई नहीं पूछेगा बैठो आप आराम करो आप चाय पियो तो ये सारी चीजें जो है ये हमारी सोसाइटी में काफ़ी लेवल तक जो है वो प्रेविलेंट है

According to 2020 and 2021, annual report of Ministry of of Ministry Employment, out of 14, million female workers, female workers, workers जो थे, they are working as cultivators और agricultural labourers तो वो उनका हाल है तो डेटा वगैरह जो है आप खुद से देख लोगे और यहाँ पे कुछ स्कीम्स वगैरह की बात हुई है और एक्ट की बात हुई है क्या क्या लाई है महिला उदम निधि स्कीम स्टेप स्कीम विमेन के लिए नाइन ट्वेंटी सेवन में ठीक है मेटर्निटी लीव बन से उनको प्रोवाइड किए गए सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वेमन एट वर्क प्लेस को विशाखा केस विशाखा गाइडलाइन बोला जाता है मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट जिसको अमेंड किया गया उसमें मेटर्निटी लीव बेनिफिट्स क्या मिले हरियाणा गवर्नमेंट ने भी कुछ किया है अनाउंस इन 2020 की ऑल ग्रेजुएट गर्ल्स जो है उनको पासपोर्ट दिया जाएगा अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन डिग्रीज तो ये सारा एक पॉजिटिव नोट पे आंसर को एंड करना और ये कंक्लूजन में सारा लिखना कि गवर्नमेंट ने इस बारे में क्या, क्या क्या काम किया है इसको प्रमोट करने के लिए तो दिस कम्प्लीट से चैप्टर नंबर सेवन फाइनली हमारा जो है फिफ्टी पेपर भी कम्प्लीट हो गया है बाकी वीडियोज में जल्दी लेके आऊंगी टिल द था टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे